हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल लाइफ इज ऑसम सिविल इंजीनियरिंग प्लान्स। तो देखिए और जो आप देख रहे हैं ये सेप्टिक टैंक है एंड इसका क्या फंक्शन है और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन मतलब कितना साइज है सब कुछ आपको मिलेगा एंड ब्रांड है सेफ गार्ड और किस तरह से वर्क करता है एंड उसके साथ ही इसका फंक्शन क्या क्या है एंड उसके साथ आपको और कुछ ज़्यादा जानकारियाँ देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर है इसका एक्सपर्ट भाई, आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद नवाज़ है जी। ये सेप्टिक टैंक है सर जी। ये इसका इनलेट इधर है। इनलेट अच्छा, ये आउटलेट है सर। ये आउटलेट है 50 mm आउटलेट आएगा। 50 mm का इसका साइज है। आउटलेट आएगा 110 mm का इनलेट आएगा। इनलेट अच्छी बात। ओके 50 mm का आपका गैस के लिए वेंट पाइप। वेंट पाइप है। ओके और सर ये 1000 लीटर का है। 1000 लीटर का 1000 लीटर एंड इसका सेम डायमीटर जो नॉर्मली मिलते हैं सर 4 feet 3 inches है। ओके इसका और हाइट जो है सर 4 feet 8 inches है। 4 feet 8 inches है। और सर ये आप 15 साल में एक बार खाली करना है इसको। 15 साल में एक डेली आप 4 से 6 आदमी यूज करें तो 15 साल में एक बार खाली करना। ओके और सर इसका 49 ईयर है गारंटी। 49 ईयर आराम से चल जाएगा। चल जाएगा। ब्रांड कौन सा है बताइए। ये ब्रांड सुप्रीम का है। सुप्रीम कंपनी। सुप्रीम का। ओके अब नेक्स्ट आता है कि इसका भी कुछ प्रोसेस रहता बिठाने का भी। हाँ बिठाने का रहेगा ना सर, आप 5x5 का खड्डा मारने का। 5x5 का। ओके बस इसको इधर तक आप नाली के लेवल में ये आउटलेट आना चाहिए। ओके ये ऊपर अगर आपको कहीं पार्किंग में रख रहे हैं आपके पास जगह कंसर्ट मतलब छोटा जगह है तो पूरा ज़मीन में डाल सकते हैं। ये ज़्यादातर किन के लिए फ़ायदा है सर। जिसके पास सिटी में जो है ना अभी छोटे छोटे घर है जिनके पास सेप्टिक टैंक नहीं है, जगह का कमी है उनके पास। ओके बस इसको नीचे डाल के आप अपने रूम में भी डाल सकते हैं। अच्छा ऊपर इसको फिर फ्लोरिंग कर सकते हैं। उनके लिए फ़ायदेमंद है। इसका कॉस्ट बताइए। कॉस्ट इसका 16000 रुपये। 16000 तक। ओके और सर जहाँ पे काली मिट्टी रहता है ना वहाँ पे सेप्टिक टैंक आप सीमेंट रेती से बनाएंगे तो थोड़ा क्रैक बना जाएगा, उसको कुछ भी नहीं होगा। उधर के लिए बहुत अच्छा है। स्पेशली सेटलमेंट नहीं होने का चांसेस ही नहीं रहते नहीं इसमें। जहाँ पे ब्लैक सैंड रहता है जैसा एंड जहाँ पर टेम्प्ररी वर्क चल रहा है उधर आप बना सकते हैं। स्पेशली कारीगर जो रहते हैं अभी कुछ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रहा है समझ लीजिए। बन रहा सर अभी जैसा अभी सर हमें फिलहाल डाले हैं ना अपना जेमिनी कंपनी बनाने। हाँ जी राइट राइट। वहाँ पे जो है 29500 लीटर का टैंक बिठाई है सेप्टिक टैंक। ओके इसमें साइज भी मिलता है। साइज मिलता था कम से कम 1000 लीटर। ये मिनिमम साइज 1000 लीटर और मैक्सिमम मतलब 29500 लीटर। 29500 लीटर मतलब 29 गुना इसका मिल जाएगा सर। इसमें आपको 1500 लीटर 1800 लीटर 2000 लीटर 3000 लीटर 6000 लीटर मिल जाएगा। ओके इसमें कलर वेरियंट भी मिल जाएगा। कलर तो एक ही रहेगा सर ब्राउन कलर में। यही कलर है। अच्छा एक नॉर्मली जो हम पानी के लिए यूज़ करते हैं ना उसका और इसका मटेरियल डिफरेंस रहता है क्या। मटेरियल में बहुत डिफरेंस है सर। हाँ जी इसका मटेरियल थिकनेस इसका सर मिनिमम 10 mm है शायद उतना तो मेरे को नहीं मालूम उसके बारे में जी। इसका अभी एक नहीं लाया इसका है एक कट करे सर पीस नहीं है। ओके 10 mm रहेगा दुकान पर। ओके हैवी ड्यूटी। हैवी ड्यूटी तो इसके ऊपर बाइक पार कर सकते हैं या फिर नहीं। इजीली आप पार्किंग में डाल के इसको चैम्बर बना के ऊपर फ्लोरिंग कर दीजिए बस। इसके कैप मिलेगा या फिर उसमें कैप आएगा सर। कैप आ जाएगा। कैप आ जाएगा। ओके तो देखिए बस ये आपका आउटलेट रहेगा। आउटलेट जो है करीब 50 mm यहाँ पर लिखा हुआ भी है। 50 mm जी 50 mm है। पानी सिर्फ इधर से सिर्फ पानी ड्रॉप होगा। ओके बस अब कुछ भी नहीं आएगा सिर्फ पानी ड्रॉप होते रहेगा बस। तो जिनके पास कम जगह है या फिर कम बजट में आप बनाना चाहते हैं सर आपको सेप्टिक टैंक के लिए सर मिनिमम 50,000 रुपये चाहिए। मिनिमम से मिनिमम कम से कम छोटा बनाएंगे तो सर आपको 16,000 में बढ़ जाएगा और आपका टाइम बच जाएगा जी। एक दिन में सही आप टॉयलेट चालू कर सकते हैं। ओके एंड स्पेशली जहाँ पर टेम्प्ररी वर्क चलता है उनके लिए बहुत अच्छी बात। बहुत अच्छी बात। इसका कुछ नाम है जैसे कि इको फ्रेंडली कुछ। ये सर सेफगार्ड सेप्टिक टैंक है। सेफगार्ड सेप्टिक टैंक इसका नाम है। और ये इको फ्रेंडली है सर इसमें स्मेल नहीं आएगा। स्मेल का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लीकेज का भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम अब ट्रांसपोर्ट करते वक्त जरा इजी ट्रांसपोर्ट है। इजी है सर ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ मतलब अब कभी गिरने का चांसेस कुछ भी नहीं हो जाएगा। कुछ भी नहीं हो जाएगा। बहुत हैवी है सर। हाँ जी कितना वेट है अंदाजा ये सर। इसका मिनिमम सर 70 से 80 kg है ये।
70 to 80 kg। अच्छा, नॉर्मली जो घर में रहते हैं वो कितना केजी का रहता है टैंक? हाँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं सर, वो 10 किलो के अंदर रहता हूँ सर। वो आपको मिनिमम 25 से 30 kg। ओके, एक बार मैं अंदर दिखा दूंगा, आप देख लीजिए। तो मैं ऐसा ये करता हूँ, आप इधर ले लीजिए। तो आप इधर तक पानी भरना पड़ेगा। अब फर्स्ट यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से इधर से आ जाएगा, इधर से सर मटेरियल आ जाएगा। हाँ, मटेरियल आके नेक्स्ट ये अंदर जाएगा सर। अंदर, ओके। अंदर आपको पार्टीशन भरा हुआ है, आप इधर तक ये पाइप के लेवल तक पानी भरना पड़ेगा इसके अंदर। ओके, पानी इसमें से फ्लो होएगा पानी। अच्छा, ये इसके ऊपर भी, इसके ऊपर जितना भी पानी आता है वो अंदर से फिर वापस दोबारा चले जाएगा। हाँ सर, ये पानी यहाँ तक रहेगा। हाँ, ना आपका। ओके, आप जितना पानी यूज़ कर रहे हैं, यानी कि ये तब पूरा फुल होने के बाद एक बकेट पानी डाले, बकेट में नॉर्मली 15 लीटर 10 लीटर पानी रहेगा, उतना पानी आपका फ्लो होता रहेगा बाहर। ओके, यहाँ तक पानी रहेगा। ओके, ऐसा कोई ऊपर से फिर पानी आने का कोई लीकेज का प्रॉब्लम नहीं है, बस अंदर कुछ भी नहीं डालना चाहिए इम्पोर्ट। हाँ, अब जिस टाइम पे खाली कर रहे हैं उस टाइम पे थोड़ा नमक डाल दीजिए, वो पूरा अंदर पतला हो जाएगा। okay. बाद में उसको अपना CMC गाड़ी है ना। हाँ जी, डम कर ले। तो ये था दोस्तों कुछ सेप्टिक टैंक के बारे में, कैसा लगा वीडियो जरूर बताएगा, एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और आपको इसी तरह से कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और जानकारी मिलते रहेंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।